गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पढ़ाया जा रहा था। जो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट, हमने बताया था कि वेदर डेली एटमोस्फेरिक कंडीशन शो करता है, बट क्लाइमेट वो होता है जो एवरेज शो करे, आइदर वन वीक का एवरेज वेदर कंडीशन या फिर वन मंथ या फिर वन ईयर का भी एवरेज वेदर कंडीशन जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। सो द क्लाइमेट रिफर्स टू द कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर बट रादर इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। वेदर डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर। द ग्राफ शोन अलोंगसाइड शोज द एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस रिकॉर्डेड थ्रू अ पीरियड ऑफ वन ईयर। तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्लाइमेट क्या चीज होता है, एवरेज वेदर कंडीशन होता है एक प्लेस का, एक जगह का, एक पार्टिकुलर रीजन का एवरेज वेदर कंडीशन स्टेट करता है क्लाइमेट। यहाँ पे अलोंग साइड में आपको एक फिगर दिया हुआ है जो क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन किसी प्लेस का जो रिकॉर्डेड ग्राफ में शो किया जा रहा है। यहाँ पे there are number of factors which affect the climate of a place. They are latitude, distance from the sea, ocean currents, direction of winds and humidity. Human activities also affect the climate. जैसे वेदर को सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वैसे ही क्लाइमेट को भी कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो है लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। Now, first factor that is latitude. A major factor that determines the climate of a place is its latitude. Broadly speaking, there are three temperature zones in the world. The region around the equator, heated by the directed rays of the sun, is the hot or torrid zone. On the other hand, the regions around the North Pole and the South Pole, where the rays of the sun bend the most, are called cold or frigid zones, and third zone, the region between the torrid and frigid zones, form the temperate zone. तो latitudes आप लोग geography में पढ़े होंगे, earth को divide किया जाता है horizontally. तो वैसे ही latitudinal zone divide किया गया यहाँ पे, earth के जोन को थ्री जोन में डिवाइड किया गया, नॉर्थ डायरेक्शन में भी और साउथ डायरेक्शन में भी। फर्स्ट जोन दैट इज इन मिडल पार्ट, पहला जोन है वो है आपका टॉरिड जोन, जो क्या होता है, हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पे पड़ती है क्योंकि सन रेज डायरेक्ट वहां फॉल करता है। एंड सेकेंड वन इज फ्रीजिड जोन, जो कि पोल्स पे होते हैं, एक नॉर्थ पोल पे रहेगा और दूसरा कौन सा होगा, साउथ पोल पे होगा, वहां पे सन रेज बेंड करके मतलब कि मुड़ के जाते हैं, तो वहां क्या होता है, कोल्ड रीजन होता है, वहां ठंडा पड़ता है, उतना गर्मी नहीं पड़ता है। एंड द थर्ड वन इज टेम्परेट जोन, जहां पे नॉर्मल कंडीशन रहता है, जैसे कि हम लोग जहां रहते हैं तो वो टेम्परेट जोन है, यहाँ पे ठंड भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ती है, टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कह सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू सन हीट जो फॉल करता है हमारे अर्थ पे, तीन जोन में आपको बांटा गया है, किसको, अर्थ को। पहला जोन था आपका टॉरिड जोन, जो कि हॉट रहता है, वहां पे अक्सर गर्मी पड़ती है, और सेकेंड वन इज दैट इज फ्रिजिड जोन, जहां पे ठंडा रहता है, एंड थर्ड वन इज टेम्परेट जोन, जहां पे बैलेंस रहता है, ठंड भी रहता है और गर्मी भी रहता है। सेकेंड फैक्टर इज अल्टीट्यूड। अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इट्स अल्टीट्यूड। As we move higher up from the sea level, the temperature of the place falls. In general, temperature falls by about 1 degree Fahrenheit with every rise of 300 feet above the sea level. तो समुद्र से कितनी ऊंचाई पे आप हैं, ये भी मायना रखता है, ये भी एक फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता हो। आप जितना ऊपर जाइएगा समुद्र से, उतना ज्यादा क्या होगा, ठंड बढ़ते जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर 300 फीट की ऊंचाई पर क्या होता है, 8 डिग्री फॉरेनहाइट क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। ठंड बढ़ना मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर घटना, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ठंड बढ़ेगा।
लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ रहा है। ठंड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितना ऊपर आप जाइएगा सी लेवल से, उतना क्या होता है, ठंड बढ़ता है। नाउ थर्ड फैक्टर इज क्लोजनेस टू सी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेज क्लोज टू द सी हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन द वेदर थ्रू आउट द ईयर। While places far away from the sea have a more extreme climate, extremely hot during the summer and extremely cold during the winters. आप लोग को चैप्टर टेम्परेचर वाले में पढ़ाया गया था सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो वो कहाँ होता है, कोस्टल एरिया में होता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो उसी बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि जितना आप सी से नजदीक रहिएगा क्या होगा, जितना आप सी से नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे। सी के नजदीक, कोस्टल एरिया के नजदीक क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गर्मी पड़ती है और रात में क्या होता है, डायरेक्ट मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है रात के समय। और दिन के समय में क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहता है सी के समुद्र के नजदीक में। जितना आप जाइएगा तो ऐसा ही रहता है, लेकिन जितना उससे दूर रहेगा उतना क्या होगा, जितना आप उससे समुद्र से दूर रहेगा उतना आपका टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। या तो दिन में भी ठंड पड़ सकती है और दिन में भी क्या हो सकता है, एक्सट्रीमली हॉट गर्मी भी पड़ सकता है। लेकिन समुद्र के जितना नजदीक जाइएगा तो क्या होता है, वहां पे आपका दिन के समय में ज्यादातर क्या होता है, गर्मी रहता है और रात के समय में क्या होता है, बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंड होने लगता है। नाउ द थर्ड फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट is winds. The climate of a place depends on the whether the winds are cold, hot, humid or dry. They are also responsible for bringing rain. During winters, winds blow from mountains of North India to the northern plains, making the plains very cold. During summers, if the winds blow from the hot deserts of Rajasthan to Delhi, Delhi becomes very hot. So, wind bhi kya hai, affect karta hai aapke climate ko. Ki agar wind kya hoga? नॉर्दर्न इंडिया से बहते हुए आएगा, मतलब माउंटेन एरिया से बहते हुए आएगा तो क्या होगा, ठंडा हवा रहेगा और क्या करेगा, आपके एरिया को ठंडा करते रहेगा। या फिर विंड भी क्या एक डायरेक्शन दे सकता है कि बारिश होने वाली है, विंड भी बारिश ला सकता है। एंड अगर डिजर्ट एरिया से हवा बह के आता हो तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, तो उधर से हवा गर्म बहते हुए आएगा। तो जो विंड होता है वो भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता हो क्लाइमेट को। नाउ हैज गिवन अ टेबल दैट इज डिफरेंशिएटिंग वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। फर्स्ट इज वेदर एंड द सेकेंड कॉलम इज क्लाइमेट। वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर क्या होता है, किसी हर एक दिन का समझ लीजिए, हर एक दिन का कंडीशन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट होता है आपका एवरेज वेदर कंडीशन। इट मींस एक हफ्ते का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर एवरेज में मांगा जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम क्लाइमेट कहेंगे। एक हफ्ता ले लीजिए, इधर आप एक मंथ भी ले सकते हैं, एक ईयर भी ले सकते हैं। तो एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट। Weather changes every day and may change several times a day. Climate generally remains unchanged for a few days. So weather क्या होता है? हर दिन बदलता है। हर दिन बदल सकता है। It's not compulsory कि हर दिन बदलता है। हर दिन बदल सकता है। हर दिन एक दिन में कई बार बदल सकता है। अभी सुबह सुबह मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। फिर suddenly क्या होना? बारिश होने लगा। तो ये क्या है? Weather बदल रहा है। एक दिन में भी कई बार बदल सकता है या फिर हर दिन बदल सकता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, कुछ दिन के लिए सेम रहता है, वो चेंज जल्दी नहीं होता है। वेदर कंडीशन डिपेंड अपॉन टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड्स। तो वेदर का जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। लेकिन क्लाइमेट को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो होता है आपका एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द विंड। इसके बारे में आपको डीपली पढ़ाया जा चुका है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. ओके देन, गुड बाय.